लालू जी से हम यही बात कि उसी समय टिकट बंटवारा में देर लग गया और आज भी अगर देर हो जाएगा चाहे झारखंड में हो चाहे वहाँ तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए टिकट बंटवारा का जो काम है जितना जल्दी है करवाइए। और दूसरी बात है यहाँ तो महागठबंधन की बैठक हुई है सुनते हैं जिसरा देवर ने कहा, लेकिन हमारे बिहार में महागठबंधन की बैठक तक नहीं हुई है और वहाँ एक गजब स्थिति हो गई है कि माननीय नेता विरोधी दल जैसी साक्षी है आज डेढ़ महीना का लगभग वहाँ बजट सेशन चला, एक दिन सिर्फ गए थे लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, इसके चलते वहाँ बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ आ गई हैं। ये सारी बात हम लालू यादव से कहते कि आप ऑस्ट्रेलियन हैं, आप महागठबंधन के एक संधायक हैं, आप इस बात को संभालिए। यही बात है व्यक्तिगत मुद्दा भी हम जानते हैं आप लोग के यहाँ हमारी बेटी है पीपी कंपाउंड में और हमारा भाई छोटा जो इंस्पेक्टर पुलिस था उसका बेटा नवीन है उसकी भी शादी यहीं है, तो कुछ पारिवारिक झंझट है इसके चलते हम लोगों से मिलने के लिए आए थे, कुछ परिवार अभी आए थे उनसे मिले हैं और कुछ कल भी मिलेंगे। और साइमल्टेनियसली ये भी दिमाग में बात थी कि हमारे एक बहुत नज़दीकी आदमी हैं टुट्टू खान जिनको कहते हैं हमारे हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष हैं गया जिला का, उनका भाई बहुत सीरियस घायल हैं, वो एक्सीडेंट में हो गया है, वो अभी मेदांता में एडमिटेड है। उनसे भी हमने मुलाकात की देखा और उसके बाद लास्ट में ये था कि अगर लालू जी से हमारी मुलाकात हो जाए, क्योंकि तीन दिन पहले से हम ट्राई कर रहे थे और हमको लगा था कि शायद मुलाकात हो जाएगी, लेकिन जब हम टाउन में इंटर किए हैं खुद समाचार मिला कि उनके बहुत नियर रिलेटिव आ जा रहे हैं, अब तिन्हीं मुझसे मिलना है इसलिए इस बार संभव नहीं है। और हम अभी यहाँ पर हैं, थोड़ा देर के बाद 8 बजे अपने बेटी के यहाँ जाएंगे, वहीं पर डिनर भी करेंगे, हमारी पत्नी भी आई हुई है, सबसे बातचीत कर करके फिर आके आराम करेंगे। कल सवेरे वो जो पारिवारिक कलह है उसके बारे में एक बैठक हुई है, एक बैठक कल करेंगे और उसके बाद फिर क्या कलह हो गया चाचा ऐसा बोल रहा है, वो सब पारिवारिक चीज बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके चलते हमको रिड्रेस करने की बात है, जो हम गार्जियन है सबसे हैं दोनों पक्ष को मिला जुला करके आगे बढ़ाएंगे। क्या है इसी नहीं चाचा, अभी अभय सिंह जी आए हुए हैं आरजेडी के बड़े नेता, ये बोल रहे हैं कि भाजपा एनडीए सब कुछ कर लिया, हम अभी कार्डो नहीं छपवा है कि कहाँ चुनाव लड़ेंगे क्या करेंगे। देखिए अजय जी आए हुए हैं, ये अध्यक्ष बने हैं, पहले इनको हम मुबारकबाद देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, जो दायित्व सौंपा गया उस दायित्व को हमें करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इतिहास से आदमी को सबक लेना चाहिए, लेकिन क्या चाहे बिहार का महागठबंधन हो या झारखंड का महागठबंधन, इतिहास से सबक नहीं लेना। अब उसका एक कारण ये है कि आज गरीब तबकों का वोट लेकर के चाहे अपनी पिछड़ा हो छूट रहा है पास हो या स्वर्णों भी जो गरीब हैं उनमें धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा अभी है, तो सबको हिंदू राष्ट्र बनाने का एक स्वप्न दिखलाया जा रहा है और इसी के नाम पर शिव चर्चाएं हो रही है, जग हो रहे हैं और हाँ शिव चर्चाएं के बाद लोग यही कहते हैं कि गुरु जी का आदेश है कि भाजपा की सरकार बने, सत्यनारायण की पूजा भी होती है, पहले अमीरों के यहाँ होती थी बड़े के यहाँ होती थी, अब सिरुपास सिरु ट्राइब्स और गरीबों के यहाँ होती, भले ब्राह्मण उनके नहीं खाएँ लेकिन नगद पैसा लेकर के उनसे पूजा कराते हैं। ये भावना हम समझते हैं कि आज के 21वीं शताब्दी में जो मनुवादी व्यवस्था का एक अंग है ये बहुत खतरनाक है और हम गरीबों के लिए खतरनाक है। गरीब उन्मूलन के लिए कोई काम हो नहीं रहा, भ्रष्टाचार है, हर तरह की अनियमितता है, लेकिन ले दे करके लोग एक धार्मिक भावना को फैला करके लोगों से भ्रम में डाल करके कैश कर लेते हैं, वोट ले लेते हैं।